वेलकम व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है उन सभी के लिए जो आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और आयुष्मान कार्ड आईडी लेना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ जानकारी होना जरूरी है, जो कि मेरा खुद का अनुभव एक्सपीरियंस है। जिनके पास आईडियां हैं तो वो आईडी पर अपने आयुष्मान कार्ड ग्राहक के किस तरीके से बना सकते हैं, और उनमें बहुत ही कॉमन सी समस्याएं हैं जो काफ़ी समस्या प्रदान कर सकती है, जैसे कि किसी का इलाज नहीं हो सकता है। ऐसे आयुष्मान कार्ड अगर आपने कुछ गलतियाँ से बना दिए हैं और आपकी आपके पास उसकी जानकारी नहीं है, तो क्या है वो गलतियाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आयुष्मान कार्ड में उनका नाम नहीं होता है और उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है अभी के डेट पर। तो यहाँ पर एक तो लीगल है, एक दूसरा इलीगल है। तो चलिए मैं पहले लीगल की बात करता हूँ। इलीगल तो पता ही है कि दूसरे के नाम पर यदि आप आयुष्मान कार्ड बना देंगे तो ये पक्का फ्रॉड वाला काम आ जाता है। लेकिन एक केस और है कि हो सकता है यहाँ पर एक समग्र आईडी में पहले कुछ लोग जुड़े हुए हों और बाद में उन्होंने कुछ लोगों ने अपने नाम कटवा लिए हों और अलग से आईडी बनवा ली हो, और उसके बाद ग्राहक अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आता है और आप उसका आयुष्मान कार्ड बना देते हैं। अब वो बनेगा कैसे, आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि उसका कार्ड कैसे बनेगा जब उसने समग्र आईडी से नाम कटवा लिया है तो कैसे बनेगा। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कुछ ग्लिच है इस वेबसाइट पर 3.0 पर। तो इस ग्लिच को आप समझ लीजिए ताकि आपको ऐसी कोई समस्या फेस करने को ना मिले, हो सकता है आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो। तो इससे बचने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए आयुष्मान कार्ड को समझते हुए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको पोर्टल पर दिखा देते हैं। पोर्टल पर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑपरेटर आईडी है, देख लीजिए यहाँ पर ऑपरेटर PIS। यहाँ पर आने के बाद अपने स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, और ये सभी के लिए है, ऑल स्टेट के लिए है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग मतलब हो सकता है सब कुछ। तो यहाँ पर अभी सिलेक्ट है PMJAY। PMJAY एक आईडी है जो कि काफ़ी स्टेट में बढ़ चुकी हैं मगर MP में नहीं बटी हुई हैं। तो यहाँ पर एक केस दिखाने वाले हैं आपको, तो उसको आप देख लीजिए। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। फैमिली आईडी में ग्राहक का समग्र आईडी डाल लेते हैं। कई लोग कहेंगे कि भाई फैमिली PMJAY में आप फैमिली आईडी डालेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके बारे में भी आपको दिखा देते हैं। देखिए फैमिली आईडी है क्योंकि हम लोग की कोई सुनता नहीं है, ऑपरेटर की कोई नहीं सुनता, ठीक है। आप शिकायत भी करेंगे तो सब सिस्टम ढीला सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको एक फैमिली आईडी डालकर दिखा देते हैं। इस तरीके से भी कार्ड बनाए जाते हैं, और कई लोगों के ग्लिचेस होते हैं नाम में, उन्होंने KYC करवा रखी है और बावजूद भी आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर उनका आयुष्मान कार्ड पुराना वाला खुल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको PMJ सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड यहाँ पर देखेंगे, आप सही नाम होगा तो आप यहाँ से ग्राहक का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, तो आयुष्मान कार्ड आप लिस्ट में नाम ना होते हुए भी उनका कार्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को देखिए, पहला समग्र आईडी में उनका नाम होना चाहिए लेटेस्ट वाली में, और आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए सर्च कर लेते हैं, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर चार नाम शो हो रहे हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर चार नाम शो हो रहे हैं, थोड़ा डिस्प्ले बड़ा करते हैं। यहाँ पर राजेश प्रजापति के नाम से एक नाम शो हो रहा है, और यहाँ से अगर हम इनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा, पॉइंट नंबर वन, ये सबसे बड़ा ग्लिच है। जबकि यह व्यक्ति इस समग्र आईडी में वर्तमान में ऐड नहीं है, जुड़ा नहीं है। इसके प्रूफ के लिए आपको दिखा देते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी, बशर्ते आप लोग स्किप वगैरह ना करें, कंटिन्यू देखते रहें। आप देख लीजिए यहाँ पर तीन नाम ही शो हो रहे हैं, यहाँ पर राजेश नाम शो नहीं हो रहा है, यह सबसे बड़ा ग्लिच है। यदि आपने इस कंडीशन में ग्राहक का आयुष्मान कार्ड बना दिया तो आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति पर खैर ज़्यादा कुछ नहीं बीतेगी। यदि बाय चांस आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा वगैरह हो सकता है, हालांकि आप इसमें अपने आप को दोषी करार ही पाएंगे, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने इसको वेरीफाई पक्के तरीके से नहीं किया। आप कहेंगे हमने
पोर्टल पे जो देखा हमने वही कर दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर ये होता है कि आप समग्र आईडी में सर्च करेंगे तो वहाँ पर नाम गलत होगा और यहाँ पर नाम सही होगा, आपको दोनों जगह पर देखना है, मैच होना चाहिए, तब जाके ही यहाँ पर इस तरीके से आप आयुष्मान कार्ड बनाइए। और यह ग्राहक जो है इनका दूसरा समग्र आईडी है, इस वजह से इनका नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ग्राहक के कार्ड नहीं बनाने हैं क्योंकि इससे आपको दिक्कत होगी। और एक और इसमें कंडीशन है कि नाम वगैरह गलत होते हैं, जो आपको बता ही चुके हैं। इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा केस अभी था लेकिन अब देख नहीं रहा है, तो आप ये समझ लीजिए मैं मौखिक ही बता देता हूँ। समग्र आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए, समग्र आईडी सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर फैमिली आईडी डाली, मान लीजिए फैमिली आईडी हमने यहाँ पर डाल दी, उसी को देख लीजिए। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। और हो सकता था यहाँ पर जो तुलसिया करके था प्रजापति, तो यहाँ पर प्रजापति की जगह कुमार डाला हो समग्र आईडी में। और पीएमजे आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर पीएमजे आईडी सिलेक्ट करने के बाद उदाहरण मान लीजिए, ठीक है, और तुलसिया प्रजापति की जगह पर तुलसिया कुमार आता हो, तो इस तरीके से आप इसमें सुधार कर सकते हैं, लोगों का भला होगा और उनको अपडेट वगैरह करवाने की ज़्यादा झंझट नहीं होगी। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं पीएमजे पोर्टल को और समग्र पोर्टल को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आपको ये ज़रूर देख लेना है कि यहाँ पर उस व्यक्ति का समग्र आईडी में नाम है या नहीं है। पहले समग्र आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करें, अगर कोई गड़बड़ी आती है जैसे कि उनका नाम में केवाईसी करवाने के बावजूद भी उनका नाम सही नहीं आ रहा है, तब आप यहाँ पर पीएमजे को सिलेक्ट करके फैमिली आईडी डालेंगे और उसके बाद इसको आप सर्च करके उनका कार्ड बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ व्यूअर्स आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन वाली लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बना सकूं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।